बिलासपुर में ना बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। बैलेंस भी लिमिटेड है, बस खाने और रहने। गूगल मैप पे तो ज्यादा भरोसा मत। मशक्कत करने के बाद भी मुझे ना एटीएम नहीं मिल। तरीके का काफी सारा हमने टैंक बिल्ड करा हुआ। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड अनदर ब्लॉग। तो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मैं ऑफिस से घर आ गया था। अभी फिर मैं सेम ब्लॉग है लेकिन ये दूसरे पार्ट में है, तो मैं अभी जा रहा हूँ फिर से ऑफिस। भाई सो के उठ गया, अब निकलते हैं ऑफिस। कहा है कि कॉल भी आ गया है तो चलते हैं ऑफिस फटाफट। गाइस रूम में रह के एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि खाना यार टिफिन वाला मंगाना पड़ता है और उस खाने का कोई गारंटी नहीं रहता यार। कैसा रहता है लेकिन खाना तो पड़ेगा ही। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस खाने का दिक्कत है क्योंकि हेल्दी खाना नहीं मिलता ना यार। पार्किंग में लगा दिया बाइक यार, पार्किंग इतना अंधेरा क्यों रहता है यार। खाली ऑफिस पहुँच गया, अब चलते हैं अंदर और करते हैं काम। गाइस बिलासपुर में ना बिल्कुल भी ठंडी नहीं है यार बस, बट आज थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे ठंडी बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल तापमान। लेकिन हमारे अंबिकापुर में अरे भाई हालत ख़राब होने वाली ठंडी वहाँ पड़ती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ एटीएम, बिकॉज ऑफ मुझे ना पेमेंट करना है भाई, अपने रूम रेंट देना है। तो मुझे एटीएम जाना पड़ेगा, मैं फ़ोन पे वगैरह तो चलाता हूँ नहीं। मेरे पास बैलेंस भी लिमिटेड है, बस खाने और रहने का ही है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं है भाई। तो अभी चलते हैं एटीएम, नियर भी कहाँ पे है वो ना। अभी तक एटीएम नहीं मिल पाया और इन गलियों में मैं कपड़ा मार्केट में घुस गया था। भाई गूगल मैप पे तो ज़्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि गूगल मैप जो है ना थोड़ा सा कभी कभी गलत भी बता देता है। गूगल मैप के थ्रू मैं गया था एटीएम खोजने, अभी तक एटीएम ही नहीं मिला मेरे को। चलो कोई ना, अभी चलते हैं कहीं और। अभी कभी बिलासपुर में भी ना अच्छा खासा ट्रैफिक लग जाता है, पार करना पड़ेगा। मैंने 4-5 किलोमीटर का राउंड लगा लिया लेकिन अभी तक मेरे को एटीएम नहीं मिला। या तो गूगल मैप झूठ बोल रहा है या तो मुझे नहीं दिख, या तो मैं नहीं खोज पा रहा हूँ। मैंने इस पेट्रोल पंप के पास आ गया क्योंकि मेरे को लग ही रहा था कि पेट्रोल पंप के पास एटीएम कार्ड वगैरह हो सकता है। तो एटीएम मशीन यहाँ पे है आई थिंक, देखते हैं भाई। यहाँ पे एटीएम बिनो बैंक तो मिला लेकिन यहाँ पे एटीएम नहीं है, तो फिर और आगे जाना पड़ेगा। गाइस इतना मशक्कत करने के बाद भी मुझे ना एटीएम नहीं मिल रहा है यार, इतना टाइम से मैं भटक रहा हूँ। गाइस आप लोग को एक न्यूज़ बताऊँ, मेरे को ना अभी तक एटीएम नहीं मिला भाई। 1 घंटे से पीछे ढूंढ रहा हूँ मैं, और जहाँ पे मेरा गूगल मैप के थ्रू मैं जा रहा हूँ वहाँ पे भी मिल नहीं रहा है मेरे को एटीएम। तो अभी क्या ही कर सकता हूँ। अभी जा रहा हूँ थक हार के अपने ऑफिस, फिर करण भाई को लेके जाऊँगा। टाइम पे आपको बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है उससे, ठीक है। तो इस तरीके का काफी सारा हमने टैंक बिल्ड करा हुआ है, जिसके कोई सपोर्ट भी करे मेरे बिजनेस को देखे समझे तो उसका हम लोग 50,000 से 1 लाख का चार्ज करते हैं। फिर कोई क्लाइंट बोल नहीं मंथली नहीं वन टाइम का होता है, राइट। एंड कोई क्लाइंट चाहते हैं कि नहीं सपोर्ट तो कर रहे हो लेकिन तो गाइस मैं आपको टाइम दिखाता हूं। तो हमारे 2.5 लाख का प्रोग्राम होता है काम खुद का है, मतलब यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं। आप जब मन कर जितना देर चाहो उतना देर आप काम कर सकते हो, जब मन करे तब आप काम कर सकते हो। जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा ही आपको प्रॉफिट होगा, मतलब जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ही आपको प्रॉफिटेबल होगा आपके काम के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम लोग नहीं, मैं करण भाई को देख के सिखाऊँ। रात को 11-11 बजे तक अपन काम करते हैं, मतलब भाई काम करते हैं। अभी तक खाना नहीं खाए, सब खा लिए भाई। इतना ज़्यादा इतना तगड़ा कन्वर्सेशन है उनका भी क्या ही बोलूँ। तो अपने को भी सीखना है लेकिन अपना माइंड आउट ऑफ फोकस हो जाता है, लेकिन कोई नहीं धीरे धीरे आदत हो जाएगा। क्योंकि घून घून को देख के रंग नहीं बदलता है, गेहूँ गेहूँ को देख के रंग नहीं बदलता है, तरबूज तरबूज को देख के रंग बदलता है भाई। घून घून मैं बोल रहा हूँ। अभी चलते हैं अपन खाना खाने, मस्त खाना वाना खाते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं अपन घर, मतलब रूम घर घर बोलता हूँ मैं, अभी तो घर का याद आ ही रहा है। मैनेजर साहब क्या हाल चाल, खाना खा लिया, पेट भरा कि? खाना बढ़िया है, तब लेट नहीं करना चाहिए, खा ले लीजिए तो ठंडा हो जाएगा। वैसे अभी रात को बज चुके हैं 10 और आज 1 घंटा पहले हम लोग अपने रूम के लिए निकल गए हैं, बिकॉज ऑफ आज करण भाई भी थक गए हैं, मैं भी थक गया हूँ। तो अभी अपने ऑफिस को बाय बाय करेंगे और चलते हैं अपन रूम। करण भाई को देखो वहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हैं,
ओ भैया चलोगे सर जी, आ रहे हैं। ओके सो गाइस बैक टू दी होम सेफली। एंड आज का शेड्यूल भाई बहुत तगड़ा वाला था मेरा पूरा दिन का। आज पूरा दिन मैंने ऐसा ऐसा चीज़ें सीखी हैं जो लाइफ में मैंने कभी ना देखी थी ना सुनी थी, और जाना भी नहीं था। आज का ब्लॉग बस इतना ही। होप सो दैट गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो जानते हो ना क्या करना है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर बोल देता हूँ लाइक से सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।